हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप मॉड्स के बारे में। सो यार, व्हाट्सएप मॉड का नाम आपने सुना होगा, FM व्हाट्सएप, GB व्हाट्सएप, यो व्हाट्सएप, व्हाट्सएप प्लस, व्हाट्सएप प्रो, ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप्स हैं अवेलेबल जो कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और ऐसे में आपने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ सुनी होगी और हो सकता है आप भी यूज़ कर रहे हो। तो यार, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि WhatsApp मॉड्स का यूज़ हमें क्यों नहीं करना चाहिए। और गाइस, यकीन मानिए, जो मैं आपको बताने वाला हूँ WhatsApp मॉड की सच्चाई, तो उसके जानने के बाद आप WhatsApp मॉड को अनइंस्टॉल करने पर मजबूर हो जाओगे। सो यार, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अगर कोई आपके जानने वाला भी WhatsApp मॉड यूज़ करता है तो आपको ये जानकारी उसके साथ शेयर करनी चाहिए। सर, सबसे पहले बात करते हैं WhatsApp मॉड होते क्या हैं। सर, WhatsApp मॉड WhatsApp की ही कॉपी होती है, लेकिन जो इसमें फीचर्स दिए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल के होते हैं। मतलब जो लोग नॉर्मल WhatsApp यूज़ करते हैं वो कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि WhatsApp मॉड के थ्रू क्या क्या किया जा सकता है। तो अगर बात करें कुछ पॉपुलर सेटिंग्स की जो कि WhatsApp मॉड में मिलती है, वो है गाइस ब्लूटिक से रिलेटेड। अगर आप किसी से चैटिंग कर रहे हो तो सामने वाले बंदे को पता नहीं चलेगा कि आपने उसका मैसेज पढ़ा कि नहीं। आप सेकंड टिक को हाइड कर सकते हो, आप अपना ऑनलाइन स्टेटस छुपा सकते हो, मतलब सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन हो या नहीं हो। इसके अलावा गाइस, आप अपने WhatsApp पे तरह तरह की थीम्स लगा सकते हो जिससे आपका WhatsApp एकदम ही अलग लगेगा। आप किसी भी पर्टिकुलर चैट पे एक लॉक लगा सकते हो, उसे हाइड कर सकते हो। इसके अलावा गाइस, आप अप टू 16 GB तक की वीडियोस किसी को सेंड कर सकते हो। इसके साथ ही अगर कोई आपको मैसेज भेजता है या स्टेटस लगाता है और उसे डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है, तब भी आपकी तरफ से वो चीज़ डिलीट नहीं होगी, आपको वो चीज़ दिखती रहेगी। इसी तरह के बहुत सारे फीचर्स आते हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग WhatsApp मॉड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। लेकिन गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग WhatsApp मॉड्स का यूज़ करते हैं उनके मोबाइल में कौन कौन से रिस्क होते हैं। तो यार, बात करें सबसे पहले रिस्क की, तो वो है गाइस, आपके मैसेजेस सिक्योर नहीं है। जी हाँ गाइस, अगर आप एक ऐसा WhatsApp यूज़ कर रहे हो जो कि मॉडेड है, प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड नहीं किया है, तो 100% आपके मैसेजेस सिक्योर नहीं है। आपके मैसेज कभी भी लीक हो सकते हैं, फिर चाहे आप उसमें किसी भी तरह का डेटा शेयर कर रहे हो, चाहे आप फोटोज शेयर कर रहे हो या फिर कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है, आपकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या पेमेंट की डिटेल्स, जो भी आप चैट कर रहे हो वो कोई भी एक्सेस कर सकता है। और उनके थ्रू अगर उसका कुछ फ़ायदा होने वाला है तो वो पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकता है, और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ना ही आप WhatsApp को ब्लेम कर पाएंगे, क्योंकि जो ऑफिशियल WhatsApp है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है और उसमें किसी भी तरह के चैट लीकेज का खतरा नहीं होता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आपका जो कन्वर्जेशन है वो सिक्योर नहीं है। तो गाइस, बात करते हैं रिस्क नंबर 2 की। तो WhatsApp मॉड को आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो, ना कि प्ले स्टोर से। तो प्ले स्टोर ये इंश्योर करता है कि जो भी एप्लीकेशन आप वहाँ से इंस्टॉल कर रहे हो वो पूरी तरह से सही है, पूरी तरह से सेफ है आपके फ़ोन के लिए, तभी वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो जो WhatsApp मॉड्स होते हैं इनके सर्वर बहुत ही लेस सिक्योर्ड होते हैं, और अगर आप इन मॉडेड एप्लीकेशंस का यूज़ करते हो तो आप अपने मोबाइल का एक्सेस खो सकते हो। जो भी ओनर है इन थर्ड पार्टी ऐप्स का, वो आपके मोबाइल में किसी भी तरह का मेलवेयर या स्पाइवेयर भेज सकता है, जिसकी वजह से आपके मोबाइल के और भी डेटा लीक हो सकते हैं। मतलब WhatsApp पे तो जो आप शेयर कर रहे हो वो तो लीक हो सकता है, उसके अलावा आपके फ़ोन में जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसकी भी हैकिंग हो सकती है। और गाइस, जब ऐसे स्पाईवेयर या मेलवेयर आपके फ़ोन में आ जाएंगे तो आपका फ़ोन हैंग होने लगेगा और आपका फ़ोन स्लो हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो गाइस, ये भी बहुत बड़ा रिस्क है जब आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो। गाइस, अब बात करते हैं रिस्क नंबर 3 की। तो यार, जो लोग WhatsApp मॉड यूज़ करते हैं उन्होंने ये चीज़ देखा होगा कि ये लोग बहुत जल्दी जल्दी अपडेट देते हैं, और जिसका अपडेट आता है उसकी वेबसाइट पर जब आप जाते हो तो ये लोग काफ़ी देर तक आपको घुमाते रहते हैं, मतलब फालतू की वेबसाइट्स पे आपको नचाते रहेंगे। और ऐसे में वहाँ पर कुछ ऐसे ऐड्स आते हैं जिन पर अगर आपने गलती से क्लिक कर दिया तो आपके मोबाइल में वायरस 100% आ जाएगा और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो यार, जो इनका ऐप अपडेट कराने का तरीका है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो गाइस, बहुत सारे लोग कहते हैं WhatsApp मॉड अगर इलीगल है तो इसे बैन करा देना चाहिए, इसे बैन हो जाना चाहिए। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, WhatsApp मॉड इलीगल नहीं है, बस अनऑफिशियल है। अनऑफिशियल होने की वजह से अनसिक्योर्ड है, इसीलिए प्ले स्टोर पे नहीं है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप WhatsApp मॉड का यूज़ करोगे कि नहीं। अगर आप इन 3 रिस्क को हल्के में लेते हो तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर अगर आपको पूरी सेफ्टी चाहिए तो आप इसे अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। और गाइस, रही बात पर्सनल डेटा की सिक्योरिटी की, तो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है आपका पर्सनल डेटा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे पास कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं है जो कि जिसका कि लीक होने के बाद कोई मिसयूज़ हो सके, ऐसा कुछ। लेकिन गाइस, मिसयूज़ करने वाले कर लेते हैं और आपको पता नहीं चलेगा, और जब आपको पता चलेगा तो उसके बाद आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो पहले से सिक्योर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, और मैंने जो सलाह आपको WhatsApp मॉड ना यूज करने की उससे भी आप एग्री होंगे। आपका कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहां पर रिप्लाई करूंगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।